अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल एसे ऑन सोइंग प्लीज बाय एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर एसे ऑन सेइंग प्लीज हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस एंड गुड मैनर्स इन डेली लाइफ। द ऑथर एक्सप्लेन हाउ सिंपल कर्टेसीज लाइक सेइंग प्लीज एंड थैंक यू कैन एज सोशल इंटरेक्शन, रिजॉल्व आर्ग्यूमेंट एंड क्रिएट हारमोनी। ही बिगिंस बाय नरेटिंग द स्टोरी ऑफ ए लिफ्ट मैन हु थ्रू आउट ए पैसेंजर फॉर नॉट सेइंग टॉप प्लीज। ऑल्दो द पैसेंजर वॉज इम्पोलाइट, द लिफ्ट मैंस वायलेंट रिएक्शन वॉज लीगली अनजस्टिफाइड। गार्डिनर एम्फसाइजेस दैट इनसिविलिटी इज नॉट लीगल ऑफेंस एंड कैन नॉट बी पनिश्ड बाई वायलेंस। बैड मैनर्स थॉ नॉट पनिशेबल बाई लॉ, हार्म सोसाइटी डीपली एंड क्रिएट अ हॉस्टाइल एनवायरमेंट। ऑन द अदर हैंड, गुड मैनर्स एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, मेकिंग लाइफ स्मूथर एंड हैप्पियर। ए जी गार्डनर अपने ऐसे में ऑन सीइंग प्लेस में बताता है कि पोलाइट रहना और गुड मैनर का इंपॉर्टेंस जिंदगी में कितना ज़रूरी है। वो कहता है, उन्हें बोल रहा है कि छोटी सी कटेसी, कटेसी मतलब अदब, जैसे प्लीज़ और थैंक यू बोलना लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट को जो है ख़त्म करता, ज़िंदगी को स्मूथ बनाता। एक स्टोरी में जो है एक लिफ्टमैन जो है पैसेंजर को लिफ्ट से इसलिए निकाल दिया, कहीं को बोल तो पैसेंजर उसको प्लीज़ नहीं बोला बोल के। गार्डिनर बोलता है कि वो पैसेंजर जो है रूड था, लेकिन जो है लिफ्टमैन का जो वायलेंस था वो भी गलत था और लीगली जस्टिफाइड नहीं था। उन्हें समझाता है कि रूड बिहेवियर को मारपीट से सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो हर शहर में जो है गुंडे भर के रहते। टू एलिस्ट्रेट द गार्डिनर शेयर्स अनदर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए कर्टियस बस कंडक्टर हु ट्रीटेड पैसेंजर विद रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस। इवन वेन द कंडक्टर एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन द राइटर्स टो, हिज पोलाइट बिहेवियर मेड द राइटर फॉरगिव हिम इंस्टेंटली। द कंडक्टर एटीट्यूड क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ चीयरफुलनेस, शोइंग द पावर ऑफ गुड मैनर्स इन एवरीडे लाइफ। गार्डिनर ऑल्सो पॉइंट आउट दैट वॉर हैज मेड पीपल मोर रूड एंड अनसिविल, and he advises restoring politeness to improve social interaction. He concludes the essay by citing Lord Chesterfield, who respond to rudeness with calmness and dignity, proving that courtesy can be a stronger weapon than aggression. Gardiner suggests that the liftman should have followed Chesterfield's example. Instead of resorting to violence, through this essay, Gardiner reminds us that politeness and civility are essential for a happy and harmonious life. हाँ, इसमें ये बता रहा है कि बैड मैनर्स का नुकसान बहुत ज़्यादा है, ये ज़िंदगी को बहुत बुरा बना देता, जबकि गुड मैनर्स ज़िंदगी को खुशगवार और पीसफुल बनाता। एक स्टोरी में जो है गार्डिनर जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहा कि एक दिन उन्हें जो है बस में चढ़ता और उसके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन जो बस कंडक्टर है उसकी बेइज्जती नहीं करता, इंसल्ट नहीं करता और टिकट दे देता उसको। बाद में जब राइटर को पैसे मिलते तो उन्हें उसको फिर से वापस दे देता। कंडक्टर जो है उसका पोलाइट नेचर राइटर को जो है बहुत इंप्रेस करता। और फिर क्या कि ऐसे एक दिन क्या होता बोल तो जो कंडक्टर गलती से जो है राइटर के ऊपर पैर के ऊपर अंगूठे के ऊपर पैर रख देता, लेकिन उसका जो अच्छे मैनर्स है उसकी वजह से राइटर जो है उसको माफ़ कर देता उसको। एक रूड आदमी जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड को बोलता है कि मैं कभी बदतमीज़ लोगों को रास्ता नहीं देता, मतलब उन्हें बता रहा है कि अपना ईगो और रूड बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा। इसका जवाब में लॉर्ड चेस्टरफील्ड पोलाइटली बोलता है कि मैं हमेशा रास्ता देता बोल के नहीं बोलता। यहाँ लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो है अपनी ह्यूमिलिटी और गुड मैनर दिखाता। वो समझाता है कि रूड लोगों के साथ लड़ाई करने से बेटर है उन्हें पोलाइटली हैंडल करो और उनके रूड बिहेवियर को जवाब कामनेस और अदब से दो, इसका असर ज़्यादा पावरफुल रहता। ये एग्जांपल दिखाता है कि पोलाइट रहना रूड रहने से ज़्यादा स्ट्रांग होता और लाइफ में हमेशा जिताता। ये ऐसे सिखाता है कि गुड मैनर और पोलाइटनेस काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी को स्मूथ और आसान बनाने के लिए और हैप्पी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है।